πίσω από μία μάτς. Αρτήλικε κόνε κόνε σε αέ. Χάρτιε τσέλτα πάτηκε. Αμάρες πόχοτι καρμάτουνε. Κάρε καρτάγουν. Ας με क्योंकि मैं उस मंच पे आपके बीच में खड़ी हूँ जिस मंच पे अभी कुछ ही देर के बाद हम सबके जन जन के प्रिय विकास पुरुष भारत के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबको संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी लगातार नई उम्मीद नई आशा नए विचार को लगातार लोगों में फैला रहे हैं। आज गुजरात की धरती का शेर दिल्ली के इस जापानी पार्क पे गरजेगा और हम सब बेताब हैं, उत्सुक हैं उनको सुनने के लिए। भाई और बहनों, भारत की जनता त्रस्त है कांग्रेस के कुशासन से। देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। पहले 100 दिन, फिर 100 दिन, फिर 100 दिन, कई 100 दिन निकल गए और लगातार महंगाई बढ़ती चली गई। महंगाई चरम सीमा तक पहुंच गई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई और प्रधानमंत्री की सांस ठीक उसी तरह से गिरती चली गई जिस तरह से सांस रुपए की गिरी डॉलर की तुलना में। शर्म है ऐसे प्रधानमंत्री को। न तो आंतरिक सुरक्षा दे सके और न ही बाहरी सुरक्षा दे सके। आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश से घुसपैठ भारत में बढ़ती चली जा रही है। आज चाइना हमारी बाउंड्री में घुसता चला जा रहा है। आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान जैसा देश कभी दो सिर काट के भेजता है, कभी पांच, और इनके आवाज से ही उठती और आंखें तरेता है और हम सिर्फ जब बयानबाजी करते रह जाते हैं, सिर्फ बयानबाजी करते रह जाते हैं। हमारी विदेश नीति पूरी तरह से चरमराई हुई है। विदेश नीति दिशाहीन है, हर तरफ निराशा का माहौल है और आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हुई है। भारत की जनता ने अपना मन बताया है और भारत की जनता किसी भी हालत में कांग्रेस को उखाड़ फेंकना चाहती है, कांग्रेस को निकाल देना चाहती है। देश भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जनता में रोष है, जनता में गुस्सा है, पूरी तरह से सामाजिक और आर्थिक बिखराव है। ऐसे में हमें इस नई जनता को एक नया मंच देना होगा, नई संवेदनशीलता देनी होगी, बदलाव
में सुरक्षित नहीं है। निर्भया कांड जो 16 दिसंबर को आया, जिसने सामाजिक चेतना जगह के जंतर मंतर पे लाखों लोगों को खड़ा कर दिया, ऐसे निर्भया कांड के बाद भी 240% रेप के केसेस बढ़े और 495% चीजिंग के छेड़छाड़ के मामले बढ़े। मैं विश्वास दिलाती हूँ हम बदलेंगे दिल्ली की तस्वीर, हम करेंगे जनता एक मानसिक रूप से जनता को तैयार और जागरूक, हम करेंगे अपनी बेटियों को तैयार, हम बदलेंगे तंत्र, हम करेंगे तंत्र को मजबूत। दिल्ली भाजपा ये सुनिश्चित करेगी कि जुडिशरी और पुलिस में रिफॉर्म आए और हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, क्योंकि भाइयों बहनों नजर बदलेगी नजरिया बदल जाएगा, नजर बदलेगी नजरिया बदल जाएगा, सोच बदलेगी समाज बदल जाएगा। और जब हम एक बार बीना उठा लेंगे तो बेटियों के हालात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। मैं नई उम्मीद नई सोच के साथ हम दिल्ली को वैसा विकास वैसा सुशासन दे सके जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विकास दिया, जैसे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी ने वितरण की प्रणाली दी, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने बीमारू प्रदेश को एक सफल प्रदेश बनाया। क्योंकि निर्माणों की कथा हमारी बहुत संक्षिप्त हमारी है, अब तक जो हो जाना चाहिए था अब हमारे द्वारा उसकी तैयारी है। क्योंकि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, हारे नहीं जब हौसले फिर कम हुए सब फौसले, जिसमें नया कुछ दिख सके वो एक दर्पण चाहिए, वो एक दर्पण चाहिए। भाइयों बहनों चलो हम ये दर्पण बदल दें, हम बदलेंगे दिल्ली की तस्वीर, दिल्ली की जनता के विश्वास।